केसी कौशिक साहब, आपको लगता है अगर यूसीसी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है कानून की जो प्रक्रिया है उसमें, उसको पालन कराने में? देखिए, जहाँ तक इस बात का मानना है कि हिंदुस्तान में एक सामान्य सिविल संहिता होनी चाहिए, वो तो हमारा जो भारत का संविधान है उसके अनुच्छेद 44 की हम बात करें तो उसमें सरकार को राइट दिया गया कि सरकार इस बात का प्रयास करे कि पूरे मुल्क में एक समान संहिता होनी चाहिए। लेकिन वो समान संहिता जो है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ये अपने में एक सवाल होगा कि इतना आसान नहीं होगा इसको इम्प्लीमेंट करना जितना हम इसको आज की डेट में सोच रहे हैं। विष्णु शंकर जैन जी, हाँ या ना अगर मैं इसमें पूछूँ आपसे? नहीं, देखिए, मैं इसको ऐसे बोलना चाहूँगा कि अभी सारे लोगों की मैंने बात सुनी और सबने एक ऐसा उत्तर दिया कि अभी पता ही नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या आने वाला है, तो हाँ कहें या ना कहें। पर मैं इसको ये कहने वाला हूँ कि अगर आप 21st लॉ कमीशन का अध्ययन करें तो 21st लॉ कमीशन ने ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के पूरे प्रपोजल को ही रिजेक्ट किया, उन्होंने बहुत सारे सजेशंस भी दिए हैं कि इन इन मुद्दों पर यूनिफॉर्मिटी लाई जा सकती है। जैसे मेरा जवाब हाँ में होगा दो चीज़ों के लिए। आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि अगर आज एक हिंदू समाज का आदमी एक से ज़्यादा शादी करता है तो सेक्शन 494 IPC में वो एक ऑफेंस या सज़ा का हकदार है, पर वही आज एक दूसरे धर्म का आदमी एक से ज़्यादा शादी करता है तो उसके लिए वो ऑफेंस नहीं है। और क्रिमिनल लॉ तो पकड़ा जाएगा। हाँ, ईसाई धर्म में भी है पर मुस्लिम समाज के नहीं है, पर मुस्लिम समाज के लिए एग्जेम्पशन है कि हिंदू के अलावा कोई शादी करे तो नहीं पकड़ा जाएगा। मैं उसको रेक्टिफाई कर देता हूँ सर, मैं उसको रेक्टिफाई कर देता हूँ। अगर क्रिश्चियन हो, पारसी हो, सिख हो, जैन हो, वो सब उसमें आते हैं, पर मुस्लिम समाज के लोगों को उसके लिए एग्जेम्पशन है। अब मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ, क्रिमिनल लॉ का बेसिक सिद्धांत है कि क्रिमिनल लॉ सबके लिए एक समान होता है। अगर आज कोई चोरी कर रहा है तो आप उसको सजा देंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज रिलीजन, पर क्रिमिनल लॉ का सिर्फ एक सेक्शन ऐसा है, सेक्शन 494 IPC, जो मुस्लिम समाज के लोगों को एग्जेम्पशन देता है कि वो एक से ज्यादा शादी करें और उनके लिए पनिशमेंट नहीं होगा। इसकी वजह से बहुत सारा कन्वर्जन हो रहा है, मैं यहां पे उदाहरण नहीं देना चाहता। और दूसरा सबसे अहम मुद्दा मैं उठाना चाहता हूं, जब से आपने पहले दूसरे गेस्ट पे जाएं, एज ऑफ मैरिज। यूनिसेफ ने कहा है कि एज ऑफ मैरिज ह्यूमन राइट से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आप अगर 9 साल की बच्ची से आज शादी कर रहे हो या जो भी एज की बच्ची से शादी कर रहे हो जो 18 साल से कम की है, चाइल्ड प्रोहिबिशन एक्ट के खिलाफ शादी कर रहे हो और आप कह रहे हो कि नहीं ऑफेंस नहीं होगा। रिजवी साहब, लेकिन जो वुमेन डिग्निटी का इशू है, ये वुमेन राइट्स का इशू है, डॉक्टर जॉन, मैं जस्टिस का इशू है जी। डॉक्टर जॉन, मैं आऊंगा आपके पास में, लेकिन रिजवी साहब, चूंकि पहली बात जो विष्णु जी कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि ज्यादातर आपत्तियां जो आ रही हैं वो मुस्लिम समाज की तरफ से आ रही हैं और जो उन्होंने मुद्दा उठाया है वो भी 3 शादियों को लेकर के ही उठाया, यही मुद्दा है जिस वजह से ज्यादातर इस तरीके की आपत्तियां देखने को मिल रही हैं। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत परसेप्शन बनाया जा रहा है कि मुसलमान ज्यादा आपत्ति कर रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सारी तंजीमें हैं, वो बार बार ये कह रहा है कि हम ड्राफ्ट तैयार करेंगे और हम जो कमीशन के चेयरमैन हैं उनसे मुलाकात करेंगे, इससे पहले भी हमने मुलाकात की थी, हम जा करके उनको बताएंगे, क्योंकि उन्होंने मशवरा मांगा है तो हम मशवरा देंगे। डॉक्टर जॉन, मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये है कि नहीं बताया, मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रहा हूं कि रिजवी साहब कह रहे हैं कि उनको आपत्ति है इस बात को लेकर के जो एक शादी की बात है उसको लेकर के, 4 शादी और एक शादी में जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो महिलाओं को लेकर के होती है, महिलाओं के साथ जो अत्याचार होते हैं उसको लेकर के होती है। महिलाओं को 4 शादी की छूट नहीं होती है लेकिन पुरुष को 4 शादियों की छूट होती है। आपको लगता है आप इस तरीके की व्यवस्था, इस तरीके की परंपरा का समर्थन करते हैं? नहीं, देखिए, मैं अपने आप को हालांकि मुस्लिम कानून भी कुछ हद तक जानता हूँ मगर मैं यहाँ पे इस्लामिक समाज का स्पोक्समैन बन के नहीं आया हूँ, उसका बड़े पुरजोर वो जवाब देंगे। उनकी शर्तें, किन शर्तों में आप एक से ज़्यादा शर्त, वही मैं कह रहा हूं, और वही शर्तें गोवा में पोर्चुगीज कोड में हिंदू को दी गई हैं कि अगर फला 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 चीज़ें हैं तो आप दूसरी बीवी भी रख सकते हैं, मुसलमान और ईसाई और सरदार नहीं रख सकते। महिला का अधिकार सबसे अहम होना चाहिए। मैं एक बेटी का बाप हूँ और एक पुत्र का बाप हूँ, मैं चाहता हूँ बेटियाँ और बेटों के बीच में कोई भेदभाव ना हो, बीचों बीच जो है। तो आप चाहते हैं एक ही शादी हो फिर, ये होना चाहिए, दोनों को बराबरी का हक मिलना चाहिए। शादी के ऊपर मत जाओ जी, देखिए आप बार बार शादी के, इसका मतलब ये जो कानून आ रहे हैं शादी रोकने के लिए, साहब महिलाओं के साथ अगर अत्याचार होंगे तो हम लोग ना आए बीच में, महिला को छोड़ के चले गए,
महिला की पिटाई कर रहे हैं, महिला के ऊपर शादी के अंदर जितने अत्याचार होते हैं, पांच महीने से महिला पहलवान है, आप जानते हैं ना, आप मैरिटल रेप को कानून मानिए, मैं दस्तखत करने को तैयार हूँ। जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म में कुछ कुरीतियाँ थी जो ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम खत्म हुई। इस डिबेट जो आज जो यहाँ पे हो रही, इस डिबेट से हम गुजरे हैं। हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट हम लेके आए, क्या कहते हैं सती प्रोहिबिशन एक्ट हम लेके आए, पर्दा सिस्टम, जौहर सिस्टम, ये सब खत्म किया गया, वाली प्रथा हिमाचल। एक मिनट सर, मेरी बात तो सुन तो लेनी, मैंने आपके बीच में इंटरप्ट नहीं किया। वाली प्रथा जो हिमाचल में हो रही थी उसको हमने खत्म किया। तो सवाल यह है कि हिंदू धर्म ने हमेशा यह समझा है कि संविधान सर्वोपरि है। संविधान में जो आर्टिकल 25 धर्म का अधिकार देता है उसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर हेल्थ एंड मोरालिटी, इसके अधीन रहेंगे सारे धर्म। तो जहां जहां रिस्ट्रिक्शंस आई, चाइल्ड मैरिज पे रिस्ट्रिक्शन आई, हमने चाइल्ड मैरिज एक्ट को माना। पर आज मैं आपके सामने एक उदाहरण देना चाहता हूं, केरला हाईकोर्ट का जजमेंट है और उस जजमेंट का नाम है खालिदुर रहमान वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। एक बच्ची के साथ रेप किया गया, बलात्कार किया गया और उसके बाद कहा गया कि मैंने इससे शादी कर ली है इसलिए मैं पॉस्को के दायरे में नहीं आता हूं। पॉस्को एक्ट जो सबसे सीरियस ऑफेंस है, पॉस्को एक्ट 2013 सबसे सीरियस ऑफेंस है, आप कहते हो वो हमारे पे लागू नहीं होता है क्योंकि हम तो उससे कम एज में शादी कर सकते हैं। तो यहां पे केरला हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, पॉस्को एक्ट मुस्लिम समाज के ऊपर लागू होता है और शरिया एक्ट प्रिवेल नहीं करेगा, पॉस्को एक्ट प्रिवेल करेगा। आराम से, आराम से। तो सवाल ये है, इशू ये है, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट इशू ये है कि नंबर ऑफ मैरिजेस और एज ऑफ मैरिज, इसमें यूनिफॉर्मिटी आना बहुत जरूरी है। मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल की जिसमें 5 जजेस बेंच और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है सेक्शन 494 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज करते हुए। रिजवी साहब, जो बातें कही गई हैं जैन साहब की तरफ से, आपत्तियां कही हैं, मुझे लगता है एक बार आप मेरे साथ आइए और जरा मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं और फिर उसके बाद में आपसे उन पर जवाब भी ले लेंगे। इस तरफ आइए, आप यहीं रहिएगा। तो मुस्लिम समुदाय की जो आपत्तियां हैं उसमें यूसीसी में संभावना है बहुविवाह पर रोक और परंपरा यह है कि इस्लाम में बहुविवाह की इजाजत है, ठीक है, ये इससे आप इत्तेफाक रखते हैं। दूसरा, बच्चा गोद लेने के लिए समान नियम यूसीसी में होंगे जबकि परंपरा है बच्चा गोद लेने का रिवाज नहीं है, सहमत हैं आप इससे? यह है। तीसरा, बेटे बेटी को बराबर का हक, विरासत बेटे के पास रहेगी, मुस्लिम समुदाय में यह अभी तक की परंपरा है, सहमत हैं आप इस बात को लेकर के? जी 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 जी, आगे देखते हैं। नहीं नहीं, पता चल जाएगा आपको। एक ही परिवार में शादी नहीं, परंपरा है करीबी रिश्तेदारों में शादी मंजूर, सही लिखा है ये? बिल्कुल बिल्कुल सही है। अगर दोनों को बराबर का अधिकार मिल जाएगा तो कोई दिक्कत परेशानी है? नहीं, देखिए ऐसा है कि मैंने कहा ना कि अभी इस पर गौर किया जा रहा है, इस पर ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उस पर बैठ करके बात कर रही हैं कि इसमें क्या हम रास्ता निकाल सकते हैं। पहले हेमा जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं, एक बार आप बता दीजिए। जी हाँ, यहाँ जैसा बार बार बात हो रहा है कि सौहर अगर अच्छा स्टैंडर्ड में है, सौहर अगर उसको परवरिश अच्छी तरह से कर सकता है तो बेटियों का अधिकार के बारे जैसा बोल रहे हैं कि बेटियों का अधिकार वहाँ नहीं मिलना चाहिए, परंतु अगर सौहर गरीब है, लाचार है, मजबूर है तो एक बेटी कहाँ जाएगी? तो मेरा ये मानना है बेटा और बेटी को बराबर का अधिकार मिलना ही चाहिए। जैसा दो आँख है उसी तरह बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है। देखिए ये एक मिनट, ये मैडम आपने जो बात कही ये बिल्कुल आप एक सामने वाली कंडीशनल आपने बात कही। इस्लाम अभी आप ही ने कहा कि आर्थिक हालात बहुत ज्यादा खराब है मुस्लिम समाज में, बेटी को बाप के घर से और ससुर के घर से बराबर का ऐसा मिलता है। हाँ, बराबर की बराबर का मिलता है, कोई उन्हें गौर वही वही मैंने कहा है। मैंने और उसके आगे जाकर के बताया है, चाहे ससुर है चाहे पेका है, जी जी, उसको बराबर जायदाद वो बाप के मरने के बाद मिलेगी, कोई फर्क नहीं है। वही मैंने कहा और ये भी कहा कि अगर शौहर एक मर जाता है और उसकी दूसरी शादी होती है तो जो मर जाता है उसको भी हक उसको मिलता है और जो नई शादी होती है वहाँ भी उसको हक मिलता है, तो ऐसा नहीं है ये। आप हिंदू वही चीज की देखिए ऐसा है जी। जी सरना जी बताइए, बात चल रही है यूनिवर्सल कॉमन कोड बिल की, यहाँ तो आप मुसलमानों का बिल लेके बैठ गए हैं जी, उनमें क्या है क्या नहीं है,
हमें बताया जाए ना जी। एक मिनट सर, एक एक करके आ रहा हूं, मेरी बात पूरी आपके पास भी आ रहा था, सन्ना जी आ रहा था आपके पास। सिखों के अपने रीति रिवाज हैं। अब यहाँ आपने लिखा कि वो जो हिंदू है अपने नजदीकी रिश्तेदार से शादी नहीं कर सकता। जो पंजाबी हिंदू हैं या हम हैं अपने बाप के नहीं कर सकते हैं, वो अपनी मासी की लड़के से शादी करते हैं, चाहे सिख है चाहे हिंदू है। बाप की दादे की औलाद से नहीं कर सकते, बाप उसके बुआ से कर सकते हैं, मासी से कर सकते हैं। ये कहाँ के कानून है? कहा के कानून आप? एक मिनट बेटा मेरी बात सुनो, ऐसा हिंदू में नहीं है। हिंदू धर्म में ऐसी बातें हैं जो ये बता रहे हैं। अभी चाहिए आपने बोल दिया, अब आप सुन हिंदू बाकी लोग आपका जवाब जानना चाहते हैं जो इन्होंने कहा। देखिए आपका है कि सबका कानून एक, विशेष रूप से यहाँ पर जो है आपने बहस का सिविल कोर्ट की बात कर रहे हैं आप, और कह रहे हैं कि सबके लिए कानून एक होना चाहिए। भारत के संविधान में सब लोग इसको एग्री कर रहे हैं, कहीं कहीं घुमा फिरा के सब लोग इसके लिए हाँ कह रहे हैं, मतलब ऊपर से मन से मना कर रहे हैं भी। जो जहाँ पर जो है जब कोई पॉइंट बोलते हैं तो ये लोग सभी इस बात पर सहमत है कि एक कानून होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे वकील साहब जैन साहब ने कहा कि जो है अपराधी को जो है सजा देने के लिए एक ही कानून है, तो ऐसे ही हमारे भारत के अंदर में जो है बहुत से धर्मों को लेकर क्या होता है कि बहुत से जगहों पर जो है बहुत अत्याचार होता है भी, बहुत से संप्रदायों को लेकर बहुत से रीति रिवाज है हमारे, बहुत से जैसे हमारी बहन जो आदिवासी बैठी उनमें अलग अलग रीति रिवाज है, तो ये लेके बहुत सारी चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन है। वो सब सारा कन्फ्यूजन कम करने के लिए, विशेष रूप से मैं आपकी बात पे बोला नहीं, कन्फ्यूजन जो है वो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, विशेष कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जो है वो एक कानून बना रहे जा रहे हैं। सबका कानून एक होना चाहिए कि सबका कानून एक, जब भारत का संविधान एक है और वो जो है धर्म निरपेक्ष है, किसी धर्म को पक्ष लेके वो जो है वो निर्णय करता है, तो उस क्या आप जो सहमत हैं? तो सब जो है ये जो है कानून जो आ रहा है ये आप मान लीजिए कि ये आना ही चाहिए। जिसके अंदर मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो सरना साहब ने बोला अभी हिंदू धर्म को लेकर, तो जो कई बातें हैं आप उससे सहमत हैं? गोत्र में दूसरे गोत्र में जो शादी की जाती है, गोत्रों में शादी की जाती है, एक वो तो सवाल नहीं है कि चाचा मौसी ये तो है कोई सवाल ही नहीं है, वहाँ शादी होने का कोई सवाल ही नहीं है। हमारे अंदर तो क्या है गोत्रों के अंदर होता है कि भाई इसका गोत्र कौन सा है, ये कौन सा ऋषि है, क्या है, उस परंपराओं का बहुत ज्यादा जो है ये दूसरे खून को मिलाते नहीं है। ऐसे ब्याह ना करो आप, ऐसे ना करो, हम किसी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो व्यक्ति जिस धर्म को अपनाना चाहता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर आप मेरे को आप समझ रहे हैं ना, ये बातें मेरे पर होंगी जिसमें लीगल एस्पेक्ट आते हैं। कौशिक साहब क्या आपको लग रहा है कि ये रहेगा या इससे आगे जाएगा? कानून किसी की भी मायने, हम कह रहे हैं पहले लाने तो दीजिए, किसी की मायने नहीं करेगा। कौशिक साहब हम अगर रेजर थे मजाटियां तो ये नहीं कि हमारे ऊपर बाकी धर्मों के कानून लागू हो जाएं, ये नहीं होगा जी। इसी धर्म का कोई कानून लागू नहीं हो करना है, वो तो बोले कि भारत का संविधान जो है एक रूप होना चाहिए और सबके लिए बरोबर न्याय होना चाहिए। मैं जी एक बात सुन लेते हैं, न्याय एक होना चाहिए सबके लिए। हम सदियों से जा रहे हैं, सदियों से, तो आपका कोई अधिकार छिन नहीं रहा है, आपको अधिकार को संरक्षण फायदा नहीं होगा। सती प्रथा की बात की, सती प्रथा आज से 500 साल पहले हमारे दूसरे गुरु गुरंगत साहब ने मना की भी, ये बिल्कुल नहीं होगा। इस डिबेट को शुरू करने से पहले मैंने बोला था कि ये चीखने चिल्लाने वाली डिबेट नहीं, बोले बहस वाली डिबेट नहीं, प्लीज हम लोग सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं आराम से, आप करो, मैं आऊंगा आपके पास। लड़ाई नहीं हो, प्रेम सौहार्द से हो। देखिए जैसा डिफरेंट डिफरेंट धर्म के संप्रदाय के मानने वाले अपने अपने विचार रख रहे हैं, उससे मेरे को ये भनक मिल रही है, ये आभास हो रहा है कि ये इशू यहाँ तक नहीं रुकेगा। UCC जब बनेगा तो इसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत सारी कठिनाई हमको आएंगी, उसको हमको मद्देनज़र रखना होगा। हम लोग अपनी धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं को और जो हमारे अधिकार हैं उनको जोड़ दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं।